हेलो गाइस, स्पीड दिस मिनट रैप पर यार, और आज मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ क्योंकि एक बंदे ने मुझको रोस्ट किया और वो लड़का है या लड़की मुझे कंफ्यूज लग रहा है क्योंकि उसका नाम है नागिना सेठी। ये तो लड़की जैसा नाम है बोसरी के, तू क्या नागिन है क्या? नागिन जैसे डांस करता है क्या? मेरे जैसे पवित्र इंसान को रोस्ट किया, आज तुझे एक्सपोज करूँगा। रोस्ट नहीं, बहुत ही बड़ा भयंकर एक्सपोज करूँगा, देखना ज़रूर पूरा फुल वीडियो। और अभी बोसी के सुन, जिस बंदे और बंदी ने मुझको रोस्ट किया है ना, उसको इतना भयंकर मैं रोस्ट करता हूँ ना कि पूरा दुनिया हिल जाता है। और तूने मेरे जैसे पवित्र दयालु इंसान को रोस्ट किया, इतना बड़ा हिम्मत, तू हर साल में हर जन्म में तू बकरा पैदा होगा और ऐसे बोलेगा मैं और घास खाएगा, घास बकरा जैसा। ना तू नागिन नहीं, तू एक बकरा है, बकरा समझा। मेरे जैसे दयालु इंसान, पवित्र इंसान को रोस्ट किया, आज तो उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं पूरा भयंकर रोस्ट बनाऊंगा तुझको। मेरे बच्चे, रन्न भूमि में खेलना है ना तो अपने बाप के साथ पंगा नहीं लेने का, क्योंकि बाप ही बाप होता है, बाप के साथ कोई पंगा नहीं लेने का। और तुझे मैं चैलेंज करता हूँ, हैंड टू हैंड, फेस टू फेस, मेरे साथ आके मिल। तू दुनिया का जिस कोने में छुपा हुआ है ना, मैं तुझको बाहर निकालूंगा, बाहर। दुबई पे मैं सबको मुझको भाई बोलते हैं क्योंकि मैं बहुत बड़ा डॉन हूँ, डॉन समझे। मेरे साथ आके मिल, फेस टू फेस, हैंड टू हैंड। जिस दिन तुझको मिल गया ना बोसरी के, तेरा गान फोड़ दूंगा, समझे। मुझको रोश करता है, इतना बड़ा हिम्मत तुझको हो गया, तुझको सिखा दूंगा मृिनाल कौन है, मृिनाल के साथ पंगा नहीं लेने का। सब जानते हो क्या, नागिना सेठी ने मुझसे पैसा उधार लिया है, उधार उधार, और उसने अपना मेकअप बॉक्स खरीदा और टाइम आ गया, लेकिन उसने मेरा पैसा नहीं लौटाया। इतना कमीना औरत आज मैंने आज तक नहीं देखा। मुझसे 1.5 करोड़ रुपये लेके चला गया और अभी कौन सा कोने पर जाके छुप गया। ये देखो मेरा मैकबुक, ये देखो लोगो, पहले तो दूसरा कुछ डुप्लीकेट था, लेकिन अब ये मैकबुक है ना, पूरा रियल है, रियल रियल, पूरा देख सकते हो मैकबुक का लोगो। ये कागज़ से बना हुआ नहीं है, ये रियली मैकबुक है, समझे। हाँ, कैमरा मैन जूम करो, हाँ जूम आउट। तो देखा मेरे मैकबुक प्रो, इसका कीमत पता है क्या, 12 लाख करोड़ रुपए, 12 लाख करोड़। और देखो मेरा मुझ कितना लंबा लंबा, हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बैड ऑयल लगाता हूँ, इसलिए मेरा मुझ बहुत ही कूल डैशिंग लग रहा है, और लड़कियाँ देखकर मेरे ऊपर फिदा हो जाता है, मेरे कूल और डैशिंग मुझ और दाढ़ी देखकर। और सुनो सब लोग, मैं जंगली बकरी हूँ, बकरी, मैं ना बहुत ज़्यादा भयंकर गोता देता हूँ लोगों के गान के अंदर, और उसमें बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है, मैं क्योंकि मैं ही बहुत ही बड़ा ज़्यादा भयंकर बकरी, बकरी बकरी मतलब गॉड, गॉड ऐसे बोलते हैं, मैं और मैं ऐसे बोलता हूँ वो बेओ नागिना सेठी। तुझको क्या लगता है रे, मुझे पता है क्या, मैं सबसे बिलियनर आदमी हूँ, बिलियनर आदमी, मैं अमेरिका पे फ्लाइट पे जाता हूँ जेट प्लेन से, और यूएसए में बुलेट ट्रेन ट्रेन से आता हूँ, और बुलेट ट्रेन का जो टिकट प्राइस है पता है ना कितना महंगा है, करीब तो करीब $56 $56, और जेट प्लेन का भाड़ा पता है क्या, 1.5 लाख करोड़ रुपया। और जो जेट प्लेन रहता है ना, वो मैंने खुद खरीद लिया है, $500 करोड़ रुपए दिए। और पता है क्या, और एक बात खास है कि मैं कुछ दिनों के बाद अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ, अफ्रीका का प्रेसिडेंट, दिस मीन द प्रेसिडेंट इन अफ्रीका, हा हा हा। और इसके बाद पूरा दुनिया मेरे कदमों पर रहेगा और तुम सब मेरा चेला रहोगे, जैसे कि मैं तुम्हारा बॉस मृिनाल को हमेशा सलाम देते रहना, ओके सलाम देना मत भूलना, नहीं तो मृिनाल थोक देगा, इतना जोर से घुदाई देगा कि गान फट लेगा। हाँ, और गाइस, अब तो लोग कुछ लोग स्पेस में जाते हैं रॉकेट में ना,
तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने भी अपना खुद का एक रॉकेट यो बनाया गया है, तो अगर किसी को जाना है ना पीस पे तो मुझको बोल देना, मुझको भाड़ा दे देना, मैं आपको लेके चला जाऊँगा और नेक्स्ट ईयर पे मेरा मार्स पे जाऊँगा। मेरे मार्स पे बहुत ही बड़ा इवेंट रहेगा, मैंने तो पहले ही बताया है कि मेरा टीवी पे इवेंट देखोगे मार्स पे, बहुत ही भयंकर रैप सॉन्ग निकलेगा, रैप सॉन्ग। हाँ, और नगीना सेठी बहुत ही खराब इंसान है, क्योंकि उसने मुझको इतना ज़ोर से रोस्ट किया, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसने मुझे इसलिए रोस्ट किया क्योंकि उसने मुझे प्रपोजल किया, मुझसे शादी करना चाहता है, और मैंने उसको कहा कि नहीं मैं गे नहीं हूँ, मैं तुझे शादी नहीं करूँगा, इसलिए वो मुझसे बदला लेने के लिए मुझे एक्सपोज किया है, मुझे बोल रहा है कि मेरा जो टूर्नामेंट होता है, मैं जो अनबॉक्सिंग करता हूँ, ये सब एक्सपोज है, आई मीन रोस्ट है। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अबे दूर से मत मुझसे छेल, नहीं तो संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि अगर डीजी मिनल तेरे सामने आ जाएगा ना तो पहले ही बोला ना गान फट लेगा, तो मुझसे पंगा नहीं लेने का, क्योंकि अगर मैं तुझे तेरे मुंह पे पार मार लिया ना तो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बड़ा भयंकर ब्लास्ट होगा। तो तुझे यकीन नहीं आ रहा है ना, तो मेरा ये जो वीडियो है ओल्डर वीडियो पे जाके देख, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फार्ट, कैसे पाद मरता है, कि कितना टाइप तरह का पाद रहता है दुनिया पे, सब कुछ ये मैंने दिखाया गया है। और ये जो पाद है ना न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा भयंकर है, तो मुझसे नहीं छेलने का, नहीं तो मैं तुझे गान फाड़ दूंगा। तो दोस्तों पता है क्या, ये जो नागिना सेठी है ना उससे मैं बहुत ही भयंकर मेरा गान फाड़ने वाला था, मैं ओ गॉड मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मैं बच कर आ गया है, क्योंकि वो बहुत ही भयंकर बड़ा गे है, गे। और वो जिस लड़के को देखता है ना डायरेक्ट गान पे गुस्सा देता है, बहुत ही भयंकर लड़का नहीं ये गे। मैं तो ओ गॉड मैं बचकर आ गया, मैं तो पूरा मैं खुश नसीब हूँ, ओहो ये क्या इंसान है, पूरा मादर चोदे। और एक बात कान खोल कर सुन लो, गरीब के लिए मैं हीरो, तुम जैसे के लिए मैं विलेन, नाम है डीजे मीनार, मैं हूँ गुंडा नंबर वन। और हाँ दूसरा बात भी सुन लो, ये जिंदगी एक जंग का मैदान है, यहाँ सर उठाकर जीने के लिए इंसानों को एक कदम पर कदम मिलाना पड़ता है, कभी वक्त के साथ, कभी हालत के साथ, और कभी मौत के साथ। तो हाँ दोस्तों आज के लिए बस इतना ही तक रहा, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे, किसी अन्य को धुलाई और सफाई करने के लिए, जो मेरे के साथ टक्कर लेगा उसको मैं अच्छी तरीके से मजा चका लूँगा। यो दिस में पर गुच्चू 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 गुच्चू